हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी का चैप्टर 9, बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। तो आपने क्या कभी बुलबुल देखी है, ये पूछा जा रहा है। तो बुलबुल की को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कोई चिड़िया बहुत ही तेज़ बोलती हुई दिखे तो आपकी उसकी पूंछ पे नज़र जानी चाहिए। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो पूंछ के नीचे वाली जगह, ये देखिए, पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। तो बुलबुल के सिर का रंग क्या होता है? काला होता है। बुलबुल की पूंछ का जो सिरा होता है, कोना होता है ना, देखिए कोना, नीचे वाला साइड जो है ना बुलबुल की पूंछ का, नीचे नीचे, वो सफ़ेद रंग का होता है। तो उसकी पूंछ को भी ध्यान से देखना है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो देखिए, बुलबुल हम लोगों से डरती नहीं है, और कई बार क्या होता है, बुलबुल के सर पे कलगी, एक देखिए जैसे कि ये है ना सर पे काला काला, यहाँ पे काला काला कुछ ऊपर ऊपर तरफ है, ये कलगी होती है। अगर ऐसी बुलबुल हो तो उस बुलबुल को हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो बुलबुल क्या खाती है? बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर जो कीड़े होते हैं ना, उनको ढूंढ ढूंढ कर वो खाया करती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। तो फल और सब्जियां भी बुलबुल खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है, और अंगूर पर भी। तो इसमें लिखा नहीं है, बट मेरी नानी के घर में अंगूर का पेड़ था, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ आपको। उसमें बुलबुल बहुत ज़्यादा आया करती थी और सारे अंगूरों में चोंच मार मार के ख़राब कर देती थी उनको, मतलब खा लेती थी। हाँ, तो इसमें है चैप्टर में, अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है, अमरूद पर, मटर पर। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। तो अपना घोंसला कैसे बनाती है बुलबुल? सूखी घास और पौधे जो होते हैं जिनकी जड़ें पतली पतली होती हैं, उनसे वो बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखता है घोंसला अंदर से? सुंदर कटोरे जैसा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उनके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। तो एक बार में कितने अंडे देती है बुलबुल? 2 या 3 अंडे। और वो कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी, पिंक पिंक से कलर के होते हैं, और उस पर कुछ लाइंस होती हैं, ब्राउन या फिर पर्पल, भूरी या बैंगनी बिंदियां भी उसमें होती हैं। बाकी हो गया ये वाला हमारा चैप्टर पूरा, बुलबुल के बारे में जो भी था। अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहचानो इसमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र पर गोला लगाओ। तो हमने देखिए पढ़ा था कि उसकी जो उसके नीचे पंख के नीचे, पंख के आगे की तरफ लाल लाल होता है। तो एक बार देखिए मार्क कर देते हैं ब्रश लेके। तो कौन सी वाली है बुलबुल इसमें? जो पहली वाली है ना, ये वाली जो है, ये वाली ही बुलबुल है। ये तो गिलहरी है और तीसरा वाला कौआ है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो मैंने बुलबुल को पहचाना उसके पूंछ के नीचे जो लाल रंग है। देखिए स्टार्टिंग में ही हमें बताया था ना, पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ जाओ कि चिड़िया बुलबुल है। ठीक हो गया ना ये? और उसके सर के पास भी सफ़ेद सा रंग होता है। तो यहाँ पे इसके सर के पास सफ़ेद सा तो नहीं है, मगर इसकी पूंछ के पास लाल लाल रंग है। ये हो गया। सिपाही बुलबुल के सर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिनके सर पर कलगी होती है, और बताओ कलगी का रंग क्या होता है। देखिए पक्षी मुर्गा, मुर्गा है ना ये, देखिए साइन में, मुर्गे की कलगी का रंग क्या होता है? लाल होता है। पक्षी है मोर, मोर की कलगी का रंग रंग बिरंगा सा होता है, नीला, हरा, इस तरीके का उसका होता है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल
क्यों कहते होंगे? शायद वो इसलिए कहते होंगे, देखिए, क्योंकि हमारे देश में जो सिपाही होते हैं उनके सर पे भी क्या होती है, कलगी होती है, तो कलगी वाली बुलबुल को इसलिए हम सिपाही बुलबुल कहते होंगे। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई तीन बातें लिखो। तो एक तो आप यही लिख सकते हैं कि जिस बुलबुल के सर पर काली कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। और देखिए और क्या क्या हम बता सकते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है ना, ये बता सकते हैं। और बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, ये भी बता सकते हैं हम। और बुलबुल क्या क्या खाती है, बरगद और पीपल के पेड़ पर से कीड़े ढूंढ कर खाती है, वो सब्जियां और फल भी खाती है, ये आप बता सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, ये तो इतना है नहीं कुछ इसमें, तो ये वाला हमारा पूरा हो गया है कंप्लीट, बुलबुल वाला जो चैप्टर है। अब एक है ये वाला देख लेते हैं। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं, नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं? गोभी, आलू, भिंडी को हम सब्जी कहते हैं, संतरा, केला, सेब को फल कहते हैं, गाय, हाथी, कुत्ता को हम जानवर कहते हैं, मूंग, चना, अरहर को हम क्या कहते हैं? दाल कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हाथी बनाया हुआ है, और यहाँ पे डॉग है, काऊ है, और एप्पल, ऑरेंजेस, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, सब्जी और फल। तो ये वाला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।